ये शंख नहीं, ये है जंगे एलआर सचिन तेंदुलकर सर सबसे महान। गूज़बम्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी, ये पूरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं सुधीर। ये कहां से आती है भाई इतनी एनर्जी तुम्हारे अंदर? सचिन सर ने जो मैच को पास दिए उनके घर पे जाते आते तो इस प्रकार उनकी बहुत प्रोत्साहन है हम पे और बस इस प्रकार बचती रहती है। इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है यहाँ बहुत। सुधीर बताओ क्या हुआ जब सचिन को तुमने आज लीची दी तो? हाँ, सचिन सर से बात हुई। हाँ। फिर लीची दिए, मैंने उनसे बोला सर आज आपकी प्रीमियर शो है, मुझे मालूम हुआ, हमें तो पहले मालूम नहीं थी। हाँ। ये मालूम थी कि मैरिज मिनिस्ट्री है। हाँ। तो उन्होंने बोले, हमने रिक्वेस्ट की सर क्या मैं आ सकता हूँ, ठीक है सुधीर मैं देखता हूँ। फिर उन्होंने बोले कि 4 बजे आने को, बस आज एनर्जी वहाँ से आ गई, सज-धज कर तैयार हो गए क्योंकि सचिन सर की मूवी के काफ़ी भारत के तो 130 करोड़ जनताओं की देखने के इच्छुक है। बट इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी सचिन सर की मूवी की चर्चा का विषय है और उस मूवी में संजोक से हम भी सचिन फैन करके कुछ है। क्या तो बोल रहे हो, फिल्म में हो आप? मैं भी उत्साहित हूँ कि मैं भी अपना मूवी देखूँ। और क्या क्या फिल्म में क्या रोल है अब तो ये देखने के बाद, क्योंकि जो मुझे शूट ली गई राजकोट में 3 दिन तक शूट चली। अच्छा। तो मुझे भी काफी उम्मीद है कि सचिन सर की मूवी में हम भी होंगे। मैंने ये तुमसे कई बार कहा है और आज भी वही चीज कहना चाहता हूँ सुधीर, कि हिंदुस्तान कभी भी खेले जब वो तिरंगा लहराते हो ना तुम अपने आप को पूरा रंग कर, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के हर एक इंसान की का जो सपोर्ट है वो तुम स्टेडियम में लेकर जा रहे हो। और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जब भी देश में, देश से बाहर कहीं भी खेले, तुम वहाँ पर रहो, सचिन का नाम लिखकर, वो होना चाहिए यार। नहीं, वो तो जब तक इस धरती पे है भारत में तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ना ही मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत, भारत में तो आ जा सकते हैं। पाकिस्तान में भी चाचा की बदौलत एक ही बार गए। हाँ। श्रीलंका में भी नहीं रोक सकता ऑन अराइवल वीज़ा। हाँ। बांग्लादेश में भी कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एशिया से बाहर जाने के लिए बहुत कॉस्टली हो जाती है, जैसे फ्लाइट वीज़ा ये हम एक्सपेंस नहीं कर पाते। फिर सचिन सर को बोलते आपकी बदौलत हम टीम इंडिया को चेयर करने 2015 में भी गए और पूरी उम्मीद है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड भी टीम इंडिया को चेयर करने पहुंचे। सुधीर ये सबसे छोटी चीज़ है जो मैं या कोई भी हिंदुस्तानी जो अभी तुम्हें देख रहा है वो तुम्हारे लिए कर सकता है, क्योंकि तुम इंडिविजुअली नहीं जा रहे हो, तुम हमारे देश के उस ध्वज को लेकर जा रहे हो, तुम्हारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो वो तुम्हारा हक है। और यार हमारा देश जहाँ पर कि हम लोग कहते हैं कि क्रिकेट जो है एक पूरा का पूरा रिलीजन है, उस रिलीजन के इस भक्त को तो यार होना ज़रूरी है किसी भी मैच में। मैं भी सचिन सर को बार बार नहीं कह सकते क्योंकि एक बड़ी टूर्नामेंट थी 2015 वर्ल्ड कप, तो मुझे भी लगा कि मुझे टीम इंडिया को सपोर्ट करने बड़ी टूर्नामेंट है जा सकूं। मैं चाहता हूं कि हर एक सीरीज जो टीम इंडिया बाहर खेलने जाती है उसमें जाऊं, लेकिन मैं सचिन सर को बार बार नहीं बोल सकते। अगर कोई स्पॉन्सर मुझे मिलती तो मैं टीम इंडिया जिधर भी जाएगी मैं टीम इंडिया को सपोर्ट करूँ, तो बड़ी टूर्नामेंट के लिए सचिन सर को बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन ये एक छोटी टूर्नामेंट जैसे अभी इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वेस्ट इंडीज जा रही है 5 वनडे 2 T20 मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये छोटी टूर्नामेंट के लिए सचिन सर को नहीं बोल सकते। अगर ऐसे स्पॉन्सर मिलते रहे तो हम टीम इंडिया का हर सीरीज को पहुँचने को तैयार हो। अच्छा सुधीर, आपने हमें इतना कुछ दिया है आज पूरी दुनिया के सामने, सचिन रमेश तेंदुलकर का एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए, वो सुनाना चाहते हैं, तैयार है? जरूर सुनने को तैयार हूँ। सुधीर, टू हैव हिम अराउंड हैज ऑलवेज बीन encouraging for all of us, because you know that there are people who are genuinely wishing well for you and well for the country even through ups and downs, because you know that is when it matters most. We appreciate his support and hope that it continues. Kamal ka message kya kehna chahte ho bhai? Bas main haath jod ke pranam karta hu.